1 hour later. हेलो गाइस, कैसे हो सारे लोग। मैं बहुत दिन बाद मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ब्रेव भाई वीडियो डालो। क्या हुआ आपका वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा थोड़ा सा क्या बोलूँ, मतलब टाइम नहीं हो रहा था, मैं पुशिंग भी अच्छे से नहीं कर रहा था, इसलिए यही दिक्कत हुआ था। कोई नहीं, जो हो गया तो हो गया। आज मैं दिखाने वाला हूँ कुछ मस्त लेजेंड अटैक्स, ठीक है। मैं भी कुछ नया आर्मी ट्राई कर रहा हूँ और इस आर्मी में मैंने बहुत कुछ न्यू सीखा है, तो आप लोगों को भी बोलूँगा। और ये अटैक को आप लोगों को देख के बहुत मस्त लगेगा, ठीक है, देख के फैन हो जाओगे। तो गाइस, बढ़ते हमारे वीडियो के तरफ। और हम लोग पहले अटैक दिखाने वाले थे द सुपर आर्चर क्लोन लालो। चलो देख पा रहे हो, चलो बढ़ते हैं। ये देखो, एक डायमंड से पेस है। डायमंड से पेस बहुत फेमस होता था एक टाइम पर, मतलब सोच सकते हो कितना फेमस होता था तब के टाइम पर, मतलब PH-14 के टाइम पर। मैंने किया था इसमें सुपर आर्चर क्लोन लालो, ठीक है। अब देख कैसे मैंने वैल्यू लिया है। देख पा रहे हो, मैंने वार्डन डाल दिया, लून डाल दिया, पीछे से ब्लीम चला गया और परफेक्ट पोजीशन पर ब्लीम को बस्ट कर दिया। और ब्लीम को देखना, ब्लीम से कितना वैल्यू मिलेगा। आपको पहले एक इन्वी डालना है, ठीक है, जैसे वॉल ब्रेकर एक आते वॉल बस्ट करते, फिर आपको एक इन्वी डालना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से दो क्लोन डालना है, जिसे आपका बहुत सारे सुपर आर्चर हो, जिससे आपका एक बहुत अच्छे से एक वैल्यू दे पाए। यही इस अटैक का बेसिक है। या सुपर आर्चर क्लोन का वैल्यू मिल गया तो आप लोग समझ लो बहुत, मतलब आपका 50% काम हो गया। बाकी सुई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और लालो के ऊपर। ये देखो मैंने ये कर दिया, अब मैं सुई कर रहा हूँ। क्या किया, एक आइस गोलेम डाला, एक सुपर टाइटन डाला और किंग क्वीन डाला, ठीक है, जिससे सुई हो जाए। और देखना सुपर टाइटन का क्या फ़ायदा है, पॉइजन यूज करना नहीं पा रहा क्योंकि हमारे पास एक भी स्पेल नहीं है। समझ सकते हो ना, इस आर्मी में एक भी स्पेल नहीं रहेगा, सिर्फ टीम के लिए स्पेल रहेगा, ठीक है। वॉल ब्रेकर क्या, देखो कितना परफेक्ट तरीके से वॉल ब्रेकर ने ब्रेक किया। अब देखो मोनोलिथ है, ये मोनोलिथ बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि इसको टेक डाउन कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब आरसी किंग क्वीन से बहुत ओपी वाला वैल्यू लेना पड़ता है लावा लून में। और जिसका लावा लून का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे से अटैक कर पाएगा क्योंकि देखो कैसे लून्स को ड्रॉप करना पड़ता है सर्जिकल, मतलब सर्जिकल लावा लून नहीं करोगे तो जो करते हैं ना स्पैम कर देते, उससे ट्रिपल नहीं होगा बेसिस, ठीक है। आपको सर्जिकल लावा लून करना पड़ेगा, हर वक्त याद रखना ये पॉइंट को। देखते ही देखते ये बेस भी खत्म हो गया। और हेड हंटर बहुत काम का चीज़ है, हेड हंटर को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते ही देखते ये अटैक थ्री स्टार हो गया। आप लोगों को मैंने समझाया गाइस, और एक अटैक लेके मैं आ चुका हूँ। इस बार भी मैंने लावा लून किया था। लावा लून में मैंने किया था कि सुपर आर्चर क्लोन के साथ सेम चीज़ करूँगा। पीछे से यहाँ पर देख रहे हो ना, इस कंपार्टमेंट में बहुत सारे वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए पीछे से बीम डालना पड़ा, ठीक है, वार्डन एबिलिटी के साथ। ये याद रखना, नहीं तो बीम नहीं पहुँचता, ठीक है। ये वॉल पिकर बहुत काम का चीज़ है। देखा मैंने, एक इन्वी डाला, रेस डाला, फिर टोक लोन डाला, फिर इन्वी डाला, जिससे तुम्हारा इतना वैल्यू आ सके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फॉर्म को ट्रिगर करेगा। अब देखना कैसे मैंने सुई लिया था स्पेस में। एक वॉल ब्रेकर परफेक्ट डाला, बेबी ड्रैगन का पोजीशन देखो बहुत परफेक्ट डाला, नहीं तो ये मतलब किंग क्वीन नहीं जाता, या किंग क्वीन घूम जाता है। आरसी से भी वैल्यू ले लिया, और एक कोर वॉल ब्रेकर नहीं गया, क्या करे, किंग वॉल को ब्रेक कर देगा। और आरसी से देखो
स्कैटर भी ले लिया, लावा लूंग चालू कर दिया, लावा लूंग चालू किया, नहीं तो मतलब आरसी ग्रुपिंग एक सपोर्ट कर देगा लावा लूंग पे, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया और आइस लावा लूंग को डाला, जिससे आपका ये जो पोर्शन है इसको फ्रीज कर देगा, देखो फ्रीज कर दिया बास्ट वाटर, इसलिए मैं आइस मतलब लावा लूंग लेता हूँ, जिससे आपको एक अच्छा फ्रीज का वैल्यू मिले। देखते देखते ये बेस भी कूल हो गया, ठीक है। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को ईटी मतलब इलेक्ट्रोटाइटिन अटैक, ठीक है। इलेक्ट्रोटाइटिन में हम लोग दिखाने वाले एक मस्टर अटैक, मस्टर अटैक बोलते एक अटैक दिखा रहा हूँ, ठीक है। रैंडमली ये बेस देखो, कैसे देख के तो बहुत लग रहा है कि ये बेस मैक्स है, मतलब सेम मैक्स है, मतलब इसमें इस बेस में अटैक करना बहुत हार्ड था, बट देखो कैसे मैंने वैल्यू लिया। यहाँ पर देख रहे हो ना, लूम ड्रॉप करके मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया बिल्डिंग्स को और मैंने ये डाल दिया, देखो बिल्डिंग से मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ, और एक दो इंवी आगे डाला, फिर मैंने क्लोन और इंवी डाला, देखो कैसे वैल्यू देगा सर, सुपर अच्छे की वैल्यू देखो, आप देख के ज़रा से फैन हो जाओगे। ये ईटी जो है ना, ईटी को बुलाना पड़ता है मतलब खोपचे में, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ देगा, ये ईटी रहेगा तो तुम्हारा सुपर आर्चर को सारे मार देगा, देखो ज़्यादा है सारे मार दिया। यही एक चीज़ बहुत नोटिस वाली चीज़ है, सीसी में क्या है, इसलिए हर वक्त लावा लूंग ईटी करोगे तो एक खोपचे में तुम आर्चर ड्रॉप कर देना जिससे तुम्हें वैल्यू मिले, ठीक है। मैंने आइस वोलेम डाल दिया, ईटी डाल दिया और हीलर, इसमें हीलर बहुत काम की चीज़ है, और वार्डन भी डाल दिया क्योंकि मैंने वार्डन को यूज़ नहीं किया था ब्लिंक में, इसलिए देखो एक वॉल ब्रेकर डाल दिया, ठीक है। आप मैंने पीछे से एक आरसी डाल दूंगा जिससे आरसी एक सपोर्ट करे, ठीक है। देखो इधर से मैंने आरसी डाल दिया जिससे इस कंपार्टमेंट में मदद करे, मतलब और हेड हंटर, ये हेड हंटर एक ऐसा चीज़ है तुमको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आरसी को भी टेक डाउन करने में बहुत मदद करता है। थोड़ा सा मैंने लेट किया था वार्डन एबिलिटी, इसलिए हेड हंटर नहीं किया, फिर भी देखो मतलब कैसे वैल्यू लिया। क्वीन क्वीन का पावर देखो, जस्ट न्यू पेट के साथ ये आर्मी बहुत ओपी है, क्योंकि फीनिक्स डीपी के साथ ये आर्मी बहुत अच्छे से काम करता है, आप लोगों को तो पता ही है, और मेरे क्लैन के हर एक बंदा भी तो ये आर्मी को बहुत सजेस्ट करता है, क्योंकि इस आर्मी का पावर मवाल है, मतलब जो भी बोलो। और देखो क्वीन से मतलब ये भी ले लिया, और आरसी से पूरा बाकी का बेस ले लिया, ख़त्म। आप लोगों को ये अटैक कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो चाहिए मतलब मेरे क्लैन में क्या क्या हो रहा है, मेरा कैसा ये जा रहा है अटैक्स जा रहा है, शॉर्ट्स वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर से कमेंट करना, ठीक है। मैं शॉर्ट्स डालने की कोशिश करूँगा मेरे चैनल के ऊपर। आज के लिए इतना ही गाइस, आज के लिए इतना ही अटैक काफ़ी है, आप लोग को समझा पाया, सॉरी इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना गाइस। और चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ नया टॉपिक के साथ। और गाइस अब तो CWL आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं CWL को थोड़ा सा वीडियोस करूँ, क्योंकि CWL वीडियोस बहुत डिमांड करता है, इसलिए मैं CWL वीडियोस करूँ जिससे मेरे क्लैन के बंदे को मोटिवेशन मिले। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस।